ये है, एक्स इक्वल टू ए का ऑर्डिनेट ये, एक्स इक्वल टू बी का ऑर्डिनेट ये, और हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ग्राफ क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। हमको इस शेडेड एरिया, इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है भैया, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है इसका, ये हमारे पास क्या क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, यहां पर ये जो शेडेड हिस्सा है इसका मुझे एरिया निकालना है। देखिए एरिया बाउंडेड में दो बातें महत्वपूर्ण, एक आपकी कर्व ट्रेसिंग जिसकी चर्चा कर रहे थे आपको पिछले टर्म पे, और दूसरा यहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन। दो बातें आपको पता तो एरिया में प्रॉब्लम नहीं, कर्व ट्रेसिंग में आपको कुछ सिमेट्री के पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगर हम इसको इसका एरिया निकालना है तो हमें दो बातों पर विशेष फोकस करना होता है, एक होता है कर्व स्केचिंग या कर्व ट्रेसिंग, और दूसरी बात डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन। तो ये तो पता है ऑलरेडी, कर्व ट्रेसिंग में कुछ पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं, जैसे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो मैंने आपसे कहा था जो कर्व होगा या द पावर ऑफ एक्स ऑकरिंग इवन, एक्स की पावर अगर आपको इवन दिखाई पड़े तो आपका ये सिमेट्री जो होगी वाई एक्सिस के अबाउट, अगर वाई की पावर इवन तो एक्स के अबाउट, अगर एक्स की जगह वाई रख दें, वाई की जगह एक्स रख दें, इक्वेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड या अनअल्टर्ड, तो लाइन के अबाउट सिमेट्री। फिर आपको कहा कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दें, वाई की जगह पर माइनस वाई रख दें, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, अपोजिट क्वाड्रेंट पर सिमेट्री, अगर एक्स को रिप्लेस करें वाई से, वाई को रिप्लेस करें एक्स से, रिमेन्स अनचेंज्ड, लाइन के अबाउट सिमेट्री। तो अगर एक्स और वाई बोथ इवन अगर पावर ऑकर्ड कर रही हैं तो वो बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने सीखे थे। अब अगर इसका शेडेड हिस्से का एरिया निकाले तो मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो भी आपका कर्व है इसके शेडेड पोर्शन का एरिया ए इक्वल टू, हमें क्या क्या दिया है, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है। देखो इतनी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एरिया के लिए। दूसरा हमें क्या दिया है भैया, एक्स बराबर एक्स एक्सिस दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी बात क्या दिया है, ऑर्डिनेट दिए हैं, कौन कौन से ऑर्डिनेट हैं, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, ये चार चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है भैया। एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है ये जानना जरूरी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के ऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस दिया और कर्व हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स, यही चार चीजें हमारे पास क्वेश्चन में होती हैं। एक कर्व होगा उसमें बता दिया जाएगा कि एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा कर्व की जो प्लॉटिंग है वो एक्स के थ्रू है, और एक्स एक्सिस के अबव देख रहे हैं यानी पॉजिटिव डायरेक्शन देख रहे हैं। तो ये चार हैं, इन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है भैया एरिया निकालने के लिए। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये दो ऑर्डिनेट है, एक्स के लॉन्ग है और वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो हमने आपसे कहा था हमारे पास जो ऑर्डिनेट है वो हमारी लिमिट है ए टू बी, फंक्शन हमारा एफ एक्स है,
और dx, इसके द्वारा हम एरिया निकाल लेते हैं, या यहां पर हमने आपसे कहा था इंटीग्रल a टू b fx y के इक्वल होता है, तो y dx। तो भैया इतनी बात याद कर लो कि मुझे एरिया निकालने के लिए जब हमारे पास ये हिस्सा दिख रहा है, शेडेड हिस्सा, शेडेड पोर्शन, तो एरिया का फार्मूला a टू b fx dx, और fx होता है y, तो a टू b y dx, करेक्ट। जैसे मान लीजिए अब दूसरी कंडीशन इसकी देख लें, दूसरी कंडीशन पे बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, हर बात समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आएगा सब कुछ समझ में। ये देखिए y के अलोंग ले लिया, ये ग्राफ है x इक्वल टू एफ वाई का, यहां पर आपका x बराबर a था, ये x बराबर a और x बराबर b, सॉरी बेटा y के लेना है, x बराबर एफ वाई का ग्राफ, y बराबर a का ऑर्डिनेट, y बराबर b का ऑर्डिनेट, ये ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस। इसके केस में अगर शेडेड पोर्शन का एरिया मुझे चाहिए, इसका इस हिस्से का एरिया चाहिए, ये शेडेड हिस्सा, ये वाला, तो यहां से एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया शेडेड हिस्सा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ वाई या एक्स डी वाई, इंटीग्रल ए टू बी एफ वाई डी वाई, ये दो कंडीशंस हम देख रहे हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ऐसे दे दिया जाए कि भैया एरिया निकाल दो y इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, आपसे कह रहा है इस कर्व का एरिया निकाल दो। अब इस कर्व की प्लॉटिंग तो नहीं कर पाएंगे आप, देखने में कैसा लगेगा ये तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आगे दिख रहा है, y इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो और x एक्सिस भी है, इसका मतलब x के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, x के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जब x एक्सिस है तो y इक्वल टू जीरो हो गया, तो जब y जीरो हो गया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से x कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, x की दो वैल्यू आ गई, एक जीरो और एक टू, ये देखिए लिमिट मिल गई जीरो से टू, एक्स एक्सिस कह रहा था वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस कह रहा ना, हमारे पास एक कर्व है वाई इक्वल टू, अब देखिए नियम क्या कहता है, इस कर्व की प्लॉटिंग करो, अब ये प्लॉटिंग माने कर्व ट्रेसिंग का पॉइंट आ गया, कर्व ट्रेसिंग क्या आ गया, तो चार पांच पॉइंट पता होना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग में ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कर्व कैसे प्लॉट हो, प्लॉट होने के लिए सबसे पहला कौन सा पॉइंट होता है, सिमेट्री का पॉइंट, तो सबसे पहले मुझे सिमेट्री पता होना चाहिए, फिर दूसरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि वो हमारा कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी पता करना पड़ता है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट, तो ओरिजिन से वो कर्व सारे जाते हैं, सुन लीजिए सिमेट्री के पॉइंट हमने बता दिए थे, अगर हम देखें ये हमारा कर्व जब प्लॉट होगा तो ये हमारे ओरिजिन से होकर जाएगा या नहीं,
इसका एक सिंपल पॉइंट, अगर 0.0 सटिस्फाई हो जाए हमारे कर्व पर, मतलब y को 0 देने पर x 0 दे दे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, x ने तो 0 और 2 दो पॉइंट हमें दे दिए हैं भाई। अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें तो कुछ पैराबोलिक टाइप का पाथ दिख रहा है, हालांकि हम आपको वहां नहीं ले जाना चाहते इससे कोई खास। ये हमारे पास 0 का पॉइंट है, तो 0 0 और 2 पर ये वैल्यू आ रही है, तो कुछ प्लॉटिंग ऐसे हो रही होगी, कुछ प्लॉटिंग इस तरीके से हो रही होगी, हालांकि आप वहां पर प्लॉट करने के चक्कर में पड़ोगे तो गलत होगा, कुछ दिक्कतें हो सकता है आपको आए। ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ 0 0 हो गया होगा, ये यहाँ पर 2 रहा है, x की एक वैल्यू, y आपकी 0 रही, 0 से 2 पर लिमिट रही, सेडेड पोर्शन निकल आएगा x का, लेकिन हम वहां भी नहीं जा रहे, अब हम सीधे इसका एरिया निकाले दे रहे। तो अब एरिया जब करेंगे तो फार्मूला वाई डी एक्स होता है, तो लिमिट हमारे पास 0 से 2 हो गई, सारे बच्चे ध्यान दें, और वाई डी एक्स हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये 0 से 2 हो गया, y की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, क्यों भाई? अब आप इसको तो इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर लेंगे ना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से 2 लगा दीजिए लिमिट, जो आया वो आपका आंसर होगा, जो आया वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें इसको जरा नोट कर लीजिए, ये दोनों कंडीशन नोट कर लीजिए भैया। कंडीशन ये फर्स्ट और सेकंड नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग। तीसरी कंडीशन देखिए जरा, अगर मान लीजिए आपका ये देखिए जरा, ये चीज जानना बड़ी जरूरी है, थोड़ा अच्छा बना दें, गुलाबी बना दें, ये देखिए एक ग्राफ बना दिया, थोड़ा गुलाबी बना दिया, पसंद करते हैं बच्चे, अच्छा लगेगा। एक ग्राफ देख रहे हैं, यहां से जरा कुछ चीजें समझने का प्रयास करिए। पिंकी कलर है, पिंक बना दिया, पिंकी कर दिया इसको। ये ग्राफ सपोज y इक्वल टू एफ एक्स,
ये ग्राफ है। अब यहां पर जरा कुछ शेडेड एरिया देखते हैं, कुछ एरिया हमको हमारे एक्स एक्सिस के नीचे दिखाई पड़ रही है और कुछ हिस्सा ऑर्डिनेट डाल देते हैं जरा यहां से। एक्स इक्वल टू ए का ऑर्डिनेट है ये, एक्स इक्वल टू बी का ऑर्डिनेट डाल देते हैं, यहां पर ये x इक्वल टू a का एक ऑर्डिनेट हमने डाला और इस पॉइंट को चाहिए, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू a का ऑर्डिनेट आपके पास है, x इक्वल टू b का ऑर्डिनेट आपके पास है। सपोज ये कोई पॉइंट हमारे पास c है, ये देखिए जरा ग्राफ को प्लीज। यहाँ पर कुछ चीजें बताना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ डाउट बने रहते हैं दिमाग में वो थोड़ा दूर होना चाहिए। ये वाई बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस से नीचे के हिस्से को भी शो कर रहा है और एक्स बराबर बी। यहां पर हम इंडिविजुअल इन दोनों की अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमें ये एरिया निकालनी हो या इनकी अलग अलग यहां पर हम देख रहे हैं कि दो चीजें हमको दिखाई पड़ रही है, या तो हम एक्स एक्सिस के अबव वाला ये हिस्सा और या तो इसके नीचे वाला ये हिस्सा। हम इस पोर्शन का अलग एरिया इंडिविजुअल अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं या पूरे का कंबाइंड एरिया निकाल सकते हैं, दोनों ही निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग निकाल सकते हैं और पूरे का कंबाइंड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। यहां पर ध्यान देने की कुछ बातें हैं वो ध्यान दीजिएगा जरा। ये तो ऑलरेडी हमारा वाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स और लिमिट, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट हम बात देख रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ रहा है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी ये सी पॉइंट, इस पर मुझे फोकस करना चाहिए और इंटरेस्ट भी इसी पॉइंट और कहां कौन कट कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सी के कोऑर्डिनेट जरूर आपको चाहिए। ऐसे केस में इंटीग्रल, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस एरिया सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा कुछ चीजें, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स यहां से लेके यहां तक इसकी एरिया, C से लेके B तक, C तो मुझे पता नहीं, C की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनना है, C पर ही मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम इंटरेस्ट हमारा C पर होना चाहिए। X बराबर A दिया, X बराबर B दिया, X एक्सिस दिया है, Y बराबर FX का ग्राफ दिया हुआ, कर्व दिया हुआ है। अब देखिए जब एरिया, मैं कई पिछले टर्न पे भी आपसे कह रहा था कि एरिया निगेटिव नहीं होती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ये जब एक्स एक्सिस के नीचे का जो हिस्सा है वो तो ऑलरेडी निगेटिव होती है भाई, ग्राफ पे जब आप एक्स के नीचे हो तो वो तो निगेटिव है, लेकिन एरिया पॉजिटिव होना चाहिए तो हम यहां पर निगेटिव लगा दें। अब ये चीज हमें शो कर रही है
कि नीचे, ये जो जैसे आमतौर पे आदमी कहते, कुछ बच्चे कहते हैं ये निगेटिव होती है, भाई ये एफ एक्स डी एक्स जो निकलेगा, जो एरिया निकलेगी वो निगेटिव होगी, लेकिन हमने पहले से ही माइनस लगा दिया तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो गई क्योंकि एरिया का पॉजिटिव। कुछ ऑथर्स क्या करते हैं इसके केस में, यहां पर वो निगेटिव नहीं लगाते हैं, ये हिस्सा मॉड के साथ लिख देते हैं। कभी भी आप देखिएगा ये पॉजिटिव दिखा, ये नीचे का हिस्सा है ना एक्स के, तो ये निगेटिव सो होना चाहिए, या तो आप माइनस लगा दीजिए। तो ये ऑलरेडी निगेटिव होता ही है, ये एरिया निगेटिव होगी क्योंकि आप इसके एक्स के नीचे का पोर्शन है और आपने बाहर माइनस लगा रखा है, तो मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, या आप माडुलो लगा लीजिए, मॉड लगा दीजिए, तो ये भी पॉजिटिव पूरा, ये भी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये सी पॉइंट कहां से आएगा, जो ये कर्व है एफ एक्स, इसमें से y को जीरो मान लेना, यहां तो कोई कर्व होगा जैसे y स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी फोर ए एक्स, तो आप जब फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो x अपनी वैल्यू देगा, वो जो वैल्यू आएंगी वो रूट निकलेंगे। यहां पर एफ एक्स को आप जीरो लेट करेंगे, y जब जीरो हो जाएगा तो इंप्लाइज दैट फंक्शन ऑफ x जीरो होगा, तो x की कुछ वैल्यू आएंगी, ये हमारे रूट होंगे, इसी से ये c की वैल्यू निकल आएगी जो a और b के बीच में होगी, c की वो वैल्यू हम ले लेंगे जो a और b के बीच में लाई कर रही होगी। क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हो क्या यार, ये ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ को मैंने x के बिलो और x के अबव दोनों में दिखाया हुआ है, एबम में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ऑलरेडी शो कर रहा है y बराबर fx में। ये हिस्सा आपका निगेटिव होगा, इसका जो एरिया निकलेगा वो निगेटिव होगा, मतलब ये fx dx जो होगा वो निगेटिव होगा, या तो आप बाहर माइनस लगा लीजिए तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। जब आप अपनी बुक्स में देखोगे तो कुछ ऑथर्स बाहर माइनस लगा देते हैं उसके पहले, या कुछ ऑथर्स ये मॉड लगा देते हैं जिससे हमारी निगेटिव और पॉजिटिव वाली समस्या खत्म हो जाती, मतलब इस हिस्से को पॉजिटिव होना चाहिए और यहां से ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है तो उसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम ये मॉड ना लगाएं, बार बार इस बात को हम आपसे कह रहे हैं, तो फिर आपको यहां निगेटिव लेना पड़ेगा, फिर आपको ये निगेटिव लेना पड़ेगा, ये dx, ये प्लस, ये निगेटिव लगा दीजिए। अब आप एरिया निकाल दीजिए, जो भी आपका ये वाला पोर्शन से एरिया निकल के आए, बाहर माइनस है तो मिलके पॉजिटिव हो जाए, ये चीज आपकी निगेटिव है, आपका ये हिस्सा निगेटिव है ये, और जब बाहर माइनस है तो मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर माइनस बाहर मत लगाइए, मॉड लगा दीजिए तो पूरा आपका एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पे इस तरीके से करेंगे, और यहां पर सी पॉइंट के लिए हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। सी कहां से निकलेगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, उससे एक्स के जो रूट प्राप्त होंगे उन रूट में से हम देखेंगे कि हमारे ए और बी के बीच में, ये एक्स बराबर ए का कोऑर्डिनेट है यहां पर, ये एक्स इक्वल टू ए का, तो ए और बी के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही वो हम सी के लिए ले लेंगे। अब हमारा इंटीग्रल,
ऐसे भी ग्राफ आपको दिखाई पड़ेंगे जो एक्स एक्सिस के अबव इस तरीके से कंडीशन होगी, वाई के अबव ये कंडीशन होगी। ऐसे भी ग्राफ आपको यहां दिखाई पड़ेंगे चलिए देखिए, तो यहां पर जब हम इसके एरिया निकालेंगे सेडेड हिस्सा की, जो हमारा सेडेड पोर्शन होगा, ये क्या शो करेगा, y बराबर a कि x बराबर a, y इक्वल टू माइनस पे, तो x इक्वल टू a निगेटिव पे चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ये पोर्शन a हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब सेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, हालांकि ये सब चीजें बताई तो जाती हैं मगर करता नहीं है, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन बच्चे तो उतना ही करते हैं जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये निगेटिव है तो माइनस ए टू जीरो जाएगा, जीरो टू बी पॉजिटिव है, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। क्या चीज, अलग अलग इंटीग्रल ले लिया, अरे एक कर लो बेटा। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, अलग इतने कॉम्प्लिकेटेड कर्व नहीं आते, वहां पर आसान सा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिस तरीके से नेगेटिव कर दिया तो एफ एक्स में ले आए, कौन सा ऊपर वाला पोर्शन, तो आपको क्या शो कर, सॉरी ये एफ वाई कह रहा ना भैया, बहुत गर्म है बेटा, सही बता रहे सही है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम दी गई, नोट कर लिया, नोट कर लिया, अगर कोई कर्व, ये चार कंडीशन हो गई, जरा पांचवी इसकी कंडीशन और देख लीजिए, एक जैसे दो कर्व हो y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, y इक्वल टू जी एक्स का ये ग्राफ है,
अब ये हमें शेडेड पोर्शन की एरिया लेनी है, दो ग्राफ के बीच में देख रहे हैं आप, ये देखिए एक y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ देख रहे हैं और एक आप y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ देख रहे हैं जो उसके हैं दोनों x एक्सिस के अबव। ऐसे पोर्शन में अपर वाले से लोअर वाले को माइनस कर दिया जाता है एरिया निकालने के लिए। एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू a का ऑर्डिनेट इसको ले लो, x इक्वल टू b का ऑर्डिनेट ये ले लो, इंटीग्रेशन a टू b कह दो, y इक्वल टू एफ एक्स यानी एफ एक्स से माइनस कर दो जी एक्स को और होल का dx बाहर कर दो। ये देखो अगर दो ग्राफ दो कर्व आपको इस तरीके से दिए जाते हैं जिनकी प्लॉटिंग ऐसे हो रही y इक्वल टू एफ एक्स ये कंडीशन देखिए और दूसरा है y इक्वल टू जी एक्स, तो आप अपर वाले से लोअर वाले को माइनस कर दीजिए है, अपर से मेरा मतलब है कि एफ एक्स आपका पहले ऊपर है और ये जी एक्स नीचे की तरफ। हाँ जी, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से किसी को माइनस कर दीजिए, बस होगा क्या कि वो निगेटिव साइन के साथ आएगा तो एरिया तो पॉजिटिव होती है, आंसर आप पॉजिटिव में दे देना। अगर हम मान लीजिए इसको उल्टा कर दे, मान लो दो आपको ग्राफ दे दिए गए तो आप कैसे जानोगे कि किससे किसको हटाना है। मान लीजिए हमने एक ग्राफ दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स का, एक आपको ग्राफ दे दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई का। अब आप जानना ये चाहते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। अब आपके पास ये कर्व आ गया, ग्राफ बन गया, तो आपका शेडेड पोर्शन जो है इनके बीच की ये एरिया आ गई। अब देखिए ग्राफ बनाया है तो मुझे पता लग रहा है, प्लॉट किया है कर्व को तो मुझे पता लग रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स ये वाला और x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। अब मान लीजिए आपको नहीं ये कर्व को प्लॉट नहीं करना है, आपके पास दो ये दिए हुए हैं, तो आप किसी से किसी को भी माइनस कर लीजिए, बस याद रखिए अगर निगेटिव आता है तो आपको पॉजिटिव लिख देना है, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कर देंगे, अगर दो कर्व आपको दे दिए गए तो एरिया निकाल देंगे उसके। एक कंडीशन इसकी और देख लीजिए, कभी कभी वाई बराबर एफ एक्स और वाई बराबर जी एक्स कुछ ग्राफ इस तरीके से भी आ जाते हैं, लेकिन अब कह नहीं सकते इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे, दो ऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, ये भी इस तरीके का भी ग्राफ मिल जाएंगे कर्व ट्रेस करने के बाद। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, x बराबर a का ऑर्डिनेट है और x इक्वल टू b का ऑर्डिनेट है। अब इस पे से कोई पॉइंट हम ले लें तो x इक्वल टू c का कोऑर्डिनेट है ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी एक्स है। इस तरीके से दो ग्राफ दे देते हैं और एरिया इनके बीच का, तो सब लाइन पे है x एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं। ये x इक्वल टू एक है पॉइंट, ये x इक्वल टू बी का पॉइंट है, सीधे एरिया एक हो गई a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस एक हो गई c टू b जी एक्स डी एक्स, और आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट।
एक कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का, एक कर्व हो गया y इक्वल टू जी एक्स का, दोनों पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपका x बराबर c पर ये पॉइंट आ जाएगा, यहां से एक लिमिट चली जाएगी x से लेके c तक और एक जाएगी c से लेके b तक। बोलो हाँ हाँ। लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, आपका तो सिंपल सा सवाल होगा, मगर ये कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी मैंने चर्चा की है। अब देखिए आपको एक दो सवाल करके देखते हैं और उनको आप आसानी से निकाल लेंगे। जब आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो भी सवाल आपके जल्दी, क्योंकि लिमिट्स भी गिवन रहती हैं, आपका कर्व भी दिया रहता है। अगर कर्व नहीं दिया है तो एक्सिस को के अकॉर्डिंग हम उससे उसके रूट निकाल लेते हैं और रूट निकालने के बाद वो लिमिट हमारी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पैराबोला का एरिया पूछे, कुछ एरिया ऐसे हैं जो ऑलरेडी बच्चे याद रखते हैं सर, इन्हीं में से कॉमन एरिया, ये कोई आईआईटी जेई का एग्जाम देने नहीं जा रहा हूं, इसके बड़े कॉमन से सवाल होते हैं। एरिया ऑफ पैराबोला 8a स्क्वायर अपॉन 3 होल पैराबोला का, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, इस तरीके से जो कॉमन पोर्शन कॉमन आपके कर्व हैं उनके एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके पास पैराबोला है। अब इसमें वो देखेगा कि क्या दिया है, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है पैराबोला का, ए ये 4a, तो ये ए क्या बता रहा हूं, 4a, लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, तो यहां पर हमें दिया हुआ है पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, वो कह रहा है कि इसका एरिया बता दीजिए, तो लिमिट तो हमारी 0 टू a है, क्योंकि जब आप पैराबोला की प्लॉटिंग करोगे तो फोकस तक की डिस्टेंस लेते हो। अरे भाई पैराबोला पढ़ चुके हो इसलिए ज्यादा इस पे ना परेशान करो, ये डिस्टेंस कितनी होती है, वर्टेक्स से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो ए होती है ना, और पीछे डायरेक्ट्रिक्स तक की भी ए होती है। ऐसे शांत बैठे हो अभी पड़े हो यार, तो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस है इसलिए ये ए कामा जीरो का कोऑर्डिनेट होता है। फिर आप डायरेक्ट्रिक्स पीछे, जब डायरेक्ट्रिक्स जाओगे तो फोकस से वही डिस्टेंस आपकी डायरेक्ट्रिक्स तक होती है, तभी तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू जीरो है। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस पैराबोला की, x प्लस a इक्वल टू जीरो, वर्टेक्स आपका जीरो जीरो होता है, लेटेस्ट रेक्टम आपका 4a होता है, इसेंट्रिसिटी आपकी 1 होती है, ये तो सब पढ़ चुके हो ना, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू जीरो। तो ये भाई चार पांच चीजें हमें ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स को ध्यान रखना है, लेटेस्ट रेक्टम को ध्यान रखना है, इसेंट्रिसिटी को ध्यान रखना है, डायरेक्ट्रिक्स को ध्यान रखना है, और क्या बचा, बाकी तो सब है पता ही है। तो यहां से जैसे इसकी एरिया निकालना है, अब डायरेक्ट हम कुछ नहीं जानते ना, हम कर्व बना पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, हमें सिंपल एरिया। अब पैराबोला ये कर्व दिया है, साथ में दिया है कि एक्स एक्सिस, तो देखिए यहां से जब एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रल भाई ये डिस्टेंस आपकी लिमिट 0 टू a और y की वैल्यू अंडर रूट 4ax dx, भाई ये डायरेक्ट आपने फार्मूले में वैल्यू रख दी, फार्मूला है इंटीग्रल a टू b y dx, y की वैल्यू यहां से निकाल लिया तो अंडर रूट 4ax dx हो गया। अब देखो जरा प्लीज, यहां से अब आपको केवल इंटीग्रेट करना है तो 2√a ये बाहर आ गया इंटीग्रल 0 टू a और ये बचा रूट एक्स और dx। ओके हमें पता है कि होल पैराबोला जब लेटेस्ट रेक्टम इंक्लूड होता है तो उसकी एरिया 8a स्क्वायर बाई 3 होती है, हाफ में जाएंगे तो 4a स्क्वायर बाई 3,
तो बहुत सारे बच्चों को याद होता है तो वो ये सब करते ही नहीं, वही सीधे टिक कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव है वहां कोई मैं करके तो दिखाना नहीं है। अब देखिए बस इसका सिंपल इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो ये वैल्यू बेटा आ गई टू रूट ए एक्स की पावर हाफ है ना ये, तो एक्स की पावर थ्री बाई टू और टू बाई थ्री, और ये लिमिट हो गई जीरो टू ए, इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां पर आपकी अपर लिमिट आएगी, तो जब ये अपर लिमिट यहां आएगी तो ये बन गया टू 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 जा फोर है ना, टू रूट ए इंटू ये टू अपॉन में ये थ्री बेटा, और यहां पर ये गया तो आया ए की पावर थ्री बाई टू, तो ये वैल्यू आ गई फोर ए स्क्वायर बाई थ्री। देखो टू टू जा फोर, ए की पावर थ्री बाई टू और ए की पावर वन बाई टू मिल करके ए स्क्वायर हो गया। ये क्या लिखा है रूट है, मतलब ए की पावर वन बाई टू और ये लिखा है ए की पावर थ्री बाई टू, मिलके ए स्क्वायर हो गया, टू इंटू टू फोर हो गया, तो फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री आ गया। और जब होल पैराबोला करेंगे तो हमारे पास टू से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमारे इतने हिस्से की एरिया निकल आई जब हम पैराबोला ये यानी ये वाले पोर्शन की एरिया आ गई। लेट अस रेक्टम कंप्लीट लेना है तो दो से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू फोर ए स्क्वायर बाई थ्री आ गई। कंप्लीट पैराबोला, होल पैराबोला की एरिया तो टू से मल्टीप्लाई, तो फोर ए स्क्वायर बाई थ्री में टू से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया एट ए स्क्वायर बाई थ्री। तो बहुत सारे बच्चे तो याद रखते हैं आराम से, उनको याद है। अब जैसे हम इलिप्स की एरिया निकालें तो पाई ए बी आएगी, अब करके देखेंगे तो एक क्वाड्रेंट की निकालेंगे तो पाई ए बी बाई फोर आएगी, होल इलिप्स की निकालेंगे तो पाई ए बी आएगी। मान लो सवाल हमसे, ये थोड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं, पैराबोला की बताओ, इलिप्स की बताओ, सर्कल की बताओ, या किसी वाई इक्वल टू लॉग एक्स कर्व दे दिया, वाई इक्वल टू लॉग एक्स आ चुका है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स ऑर्डिनेट दे दिया एक्स बराबर वन और एक्स बराबर ई, अब ये दे दिया, ये एनडीए में आ चुका क्वेश्चन। अब y इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इक्वल टू वन दिया, x इक्वल टू ई दिया, इसका मतलब वन टू ई की लिमिट दी है, लिमिट यहां हमारे पास वन से ई, और y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो एफ एक्स की जगह पर लॉग एक्स और बेटा डी एक्स। अब बताइए इस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ही तो करना है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स और लिमिट लगा दी वन टू ई, जो आया वो आंसर। नहीं आ रहा तो सिंपल ऐसा सवाल ज्यादातर देखा गया है कि लिमिट भी गिवन रहती है, बस सिंपल सा एक इंटीग्रेशन लिमिट लगा, ये जितना ये थोड़ा सा डरा दिया हमने, ये सब चीजें ये जेई वाली हो गई, ये तुम डर रहे हो ये सब देख करके, अजीब टाइप के ये चित्र वित्र देख के, इससे हो सकता है थोड़ा भयभीत हो रहे हो, तो ये भयभीत नहीं होना है, वहां बड़ा आसान सा रहता है, कोई डरावना वाला नहीं होती है, बहुत आराम से छोटे छोटे कर्व होते हैं, बड़े सुंदर ब्यूटीफुल कर्व होते हैं, देख के अच्छे लगेंगे आपको देखने में वो कर्व, तो बड़े अट्रैक्टिव कर्व। कर्व भी क्या है, वो तो सीधा सा एक सिंपल सवाल, और ये मुझे मालूम है 90% वो कर्व पे जाता ही नहीं है, कर्व ट्रेसिंग की बात ही नहीं करता लड़का, वो सिंपल कहता है ये फंक्शन है, ये लिमिट है, इंटीग्रेट किया, ये जवाब है, दैट्स ऑल, और बिल्कुल ठीक है तरीका, क्यों करेगा वो तमाम चीजें कर्व ट्रेसिंग। लेकिन इन बातों को जान लेने से थोड़ा हमें कर्व की नॉलेज हो जाती है, कैसे इवेल्युएशन हुआ इसका, वो सारी चीजें पता लग जाती है। चलिए ठीक, अब ये आपकी क्लास यहां से ओवर हो रही है, अब आप इसके क्वेश्चंस करिए पूरे सभी लोग।